बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में सिंपलीफिकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन यूजिंग केमैप आज हम करेंगे। केमैप के बारे में लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, अब हम इस केमैप के थ्रू कोई भी एक्सप्रेशन को कैसे सिंपलीफाई करते हैं। सो पहले हम करते हैं सिंपलीफिकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन यूजिंग केमैप, थ्री वेरिएबल केमैप। सो इन थ्री वेरिएबल केमैप, वन सेल ग्रुप यील्ड्स थ्री वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म। अगर हम एक सेल को ही ग्रुप करें, उसके साथ कोई और सेल ना हो, इस तरफ मल्टीपल सेल्स होते हैं ना, इन केस ऑफ थ्री वेरिएबल वी हैव एट सेल्स मीन एट पॉसिबल कम्बिनेशंस। तो अगर हम थ्री सेल वन सेल को करें तो थ्री वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म हमारे पास आएगा, और अगर हम टू सेल को ग्रुप करेंगे तो हमारे पास टू वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म आएगा, और अगर हम फोर सेल्स को करेंगे तो हमारे पास वन वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म आएगा, और एट सेल्स करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ वन फॉर फंक्शन। तो हमारे पास जो है यील्ड्स अ वैल्यू ऑफ वन फॉर द होल फंक्शन वैल्यू। सो हमारे पास जो है, हम इन वेरिएबल्स के थ्रू हम जब इसको ग्रुप करेंगे तो हम किस तरह एक इक्वेशन को एक्सप्रेशन को जो है सिंपलीफाई करते हैं। तो ज़रा चलते हैं एग्जांपल पे। ये हमारे पास है थ्री वेरिएबल केमैप। क्वेश्चन जो है इन तीनों फॉर्म्स में आ सकता है, या तो इस फॉर्मेट में होगा, या इस फॉर्मेट में होगा, या इस फॉर्मेट में होगा। इन तीनों फॉर्मेट्स में आ सकता है। सपोज़ अगर ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बी सी एंड दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी एंड दिस इज़ ए। नाउ इन केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, कम्प्लीमेंटेड वैल्यू विल बी ज़ीरो एंड नॉन कम्प्लीमेंटेड विल बी वन। दीज बोथ आर ज़ीरो, सो बोथ आर द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू 0 1, सो बी कम्प्लीमेंट एंड वन फॉर सी, सो इट इज़ नॉट कम्प्लीमेंटेड। बोथ आर द वन, सो दीज आर द नॉन कम्प्लीमेंटेड एंड दिस बी सी, बी इज़ नॉट कम्प्लीमेंटेड वैल्यू एंड सी इज़ कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इन द करस्पॉन्डिंग सेल्स। अब ए कम्प्लीमेंट बी सी, ए कम्प्लीमेंट बी सी कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये ग्रुप हुआ है, ठीक है। फिर है ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ये है। फिर ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए वाले में जाएंगे, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ये है। फिर ए बी कम्प्लीमेंट सी, ए बी कम्प्लीमेंट सी, ये रहा। फिर हमारे पास है ए बी कम्प्लीमेंट सी, ये तो हो गया ए बी सी, दिस इज़ द ए बी सी। सो ये हमारे पास हो गई वैल्यूज़, और हम उस जगह पे, तो ये तो इस लिहाज से ये पुटिंग हो गई है, ठीक है, अगर हम हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, ठीक है। बट दिस इक्वेशन शुड बी इन द कैनोनिकल फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर इसको हम पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए वो करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, ठीक है, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सो यहाँ पे जो है, इसको हम अगर हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन गिवन है तो हम इसको ऐसे पुटिंग करेंगे, और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं। अब ग्रुपिंग के बारे में बाद में कहूँगी। हाँ, एक बात हमने की कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हो रहे हैं तो हम टू वेरिएबल्स लेंगे, ये फिर भी जो होगा तो बता दूँगी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्मेट में मिला है, ठीक है, तो ये तो सेल्स का नंबर हमें पता है, ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है। सो इट इज़ ज़ीरो वन टू एंड थ्री, फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। सो वी विल पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सेवन, सो इट इज़ टू थ्री फोर
5 एंड 7. तो ये वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास ये गिवन है. या इस तरह हो, या इसको हम m नॉट, ये m नॉट है, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, ये उस तरह रिप्रेजेंट करें. चले हम इसको पहले इस तरह से बात करते एक्सप्लेन करते हैं. तो ये हमने इसी के मुताबिक 1 0 1 2 3 दिस 2 4 5 6 7. तो ये तो नंबरिंग हमें पता है, हर सेल का हमें पता है कि हर सेल पे जो है डेसिमल वैल्यू क्या है, और ये दीज आर डेसिमल वैल्यूज़ फॉर द ईच सेल. तो हम उसके करस्पॉन्डिंग पुटिंग कर लेंगे अगर हमें इस फॉर्मेट में गिवन हो. तो फिर हम कैसे करेंगे, दिस इज़ m0, दिस इज़ m1 स्मॉल m. हेयर वी विल रिप्रेजेंट द मिन टर्म एज अ स्मॉल m, स्मॉल m नॉट, m1, m2, एंड दिस इज़ m3, m4, वही सीक्वेंस 0 1 2 3 4 5 6 7. बट हेयर वी विल राइट अ स्मॉल m विद दिस 4 0 m m नॉट m1 m2 m3 m4 m5 m6 एंड m7. सो m2 इज फिल्ड, विल बी फिल्ड बिकॉज गिवन है उसको 1. हम उसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे जो इधर गिवन है, या इधर गिवन है, या इधर गिवन है, इधर है. फिर हमारे पास m3 है जो कि ये है, फिर m4 है जो कि ये है, फिर m5 है जो ये है, और m7 है जो कि ये है. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ फिल हो गई है और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो हमें मेन टर्म्स जो है, हमें वेरिएंट जो इक्वेशन गिवन होगा वो इस फॉर्मेट, इन तीनों फॉर्मेट्स में से कोई भी फॉर्मेट गिवन है तो उसके लिहाज से हम पुटिंग करेंगे. अगर इससे गिवन है तो हम वो ए बी सी लिखेंगे, वही वेरिएबल्स. इस फॉर्मेट में गिवन है तो हम फिर इस तरह 0 1 2 3 लिखेंगे. और अगर इस फॉर्मेट में तो हम ये लिखेंगे. तीनों फॉर्मेट्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ. अब हम इसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं. अब ये वो फील्ड वैल्यूज़ हैं जी, कि फील्ड सेल्स हैं जिसमें हमने वो जो है वो पुटिंग की है यहाँ पे सारी. ये इसके लिहाज से भी हमने पुटिंग की है, इसके लिहाज से. तो ये सारे सेम आ रहे हैं. अब हमने क्या करना है, हम ग्रुप करेंगे. 1 होगा या 2^2 में होगा, 2^0 में ग्रुप होगा, या 2^1 में ग्रुप होगा, या 2^2 में ग्रुप होगा, या 2^3 में होगा. इसमें 2^3 तक जा सकता है या 2 तक जा सकता है. ठीक है, तो 2^ ऑफ दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो जितने भी हैं. 2^0 से 1 आता है, फिर 2^2 से हमारे पास 2 आता है, 2^2 से हमारे पास 4 आता है, एंड 2^3 से हमारे पास 8 आता है. जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि हम इसके लिहाज से ग्रुपिंग करेंगे, हम अगर ग्रुप करेंगे. अब हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं वेरिएबल्स की, ये जो हमारे पास फील्ड वैल्यूज़ हैं इन केमैप में. तो हम ऐसे करेंगे, हम एडजेसेंट सेल को करेंगे 2, या ऐसे सेल होंगे या इस तरह फॉर्मेट में होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे अगर हम 4 करेंगे ये 4, ठीक है, तो इधर 0 आ रहा है. ऑल शुड बी 1. तो हम इसलिए जो किया है मैंने 2 को इधर इस के साथ, इस 1 को इधर भी किया है, और इधर हम ओवरलैप कर सकते हैं वैल्यूज़ को. ठीक है, एक ये हो गया, क्योंकि हमने सारे वंस को जो है, सब वंस को हमने मैप करना है. ठीक है, पॉसिबल कम्बिनेशंस. तो ये 2 इधर हो गया और ये 2 इधर हो गया. ठीक है, अब ये एक 2 इधर हो सकता है, सही है, ये भी हो सकता है हमारे पास दिस वन. ठीक है, और ये यूँ, तो ये हमारे पास पॉसिबल ये जो है मैपिंग है. और इसमें अगर ये दोनों 1 होते, सपोज़ ये 1 होता और ये भी 1 होता, तो हम इसको फिर यूँ 4 करते, इन केस अगर ये भी 1 तो होता, और फिर हम इधर इसको भी मैप करते, इसके साथ भी करते. तो ये नेबरिंग सेल्स को हम करते, तो अगर ये भी 1 होता और ये भी 1 होता, तो ये 4 वंस होते, 6 हम नहीं कर सकते. इस तरह मैंने बताया 2^4 में करेंगे. तो ये 4 होते और फिर ये 4 होते, ओवरलैप होते, और फिर ये 1 इस 2 के साथ होता. ठीक है, तो हम ओवरलैपिंग जो कर सकते हैं. ठीक है,
अच्छा, हम मैपिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो इधर है, ठीक है, वन और वन, सपोज़ ये भी वन है और ये भी वन है, ठीक है, यूँ, तो ये वाला सेल, ये दोनों सेल्स, अगर ये भी वन होता और ये भी वन होता, ये भी वन होता, ठीक है, ये, तो ये अगर वन होता और ये भी वन होता, तो ये जो है, ये वाला इससे मैप हो सकता है. दीज टू आर नेबरिंग. ये वाला इससे मैप हो सकता है, ठीक है, समझ आ गई ना. अगर ये मेरे पास है तो ज़ीरो है, अगर ये वन होता और ये भी वन है, और ये अगर ये तो वन है, अगर ये सपोज़ ज़ीरो की बजाय वन होता, तो ये दोनों मैप हो सकते हैं, ठीक है. फिर हमारे पास अगर सपोज़ ये जो है, ये वाला वन होता और ये भी वन होता, ठीक है, नहीं, ये इसको तो बता चुकी हूँ कि ये चारों आपस में ओवरलैप फिर हो सकते हैं. अगर ये और ये वन होते और ये दोनों तो वन है, तो ये आपस में ये ओवरलैप हो सकते हैं, ठीक है. सो इस साइड से सपोज़ अगर हमारे पास ये भी वन हो, ये भी वन हो, ये भी वन हो और ये भी वन हो, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, तो आपस में ये नेबरिंग, ये वाला जो अपर डाउन, अप एंड डाउन, ये भी नेबरिंग हो सकते हैं, साइड वाले भी मैपिंग हो सकते हैं, ठीक है. पर ये जो है, इसको इससे नहीं कर सकते. उसको करने के लिए इसका वन होना ज़रूरी है. अगर ये है और ये है, तो ये क्रॉस तब हो सकता है अगर ये वन हो और ये भी वन हो, ठीक है. तो ये तो हमने ये मैपिंग कर ली है, ठीक है. अब इसके ये तीन फंक्शन, एक फंक्शन, ये एक टर्म आ गया, ये एक टर्म आ गया, ये एक टर्म आ गया. अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, ठीक है. इसमें मेरे पास एक कम्प्लीमेंट कॉमन है, ठीक है, एक कम्प्लीमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, एक कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, इन दोनों में. और इसमें मेरे पास बी कॉमन है, ठीक है, बी कॉमन है इन दोनों सेल्स में, ये ए कम्प्लीमेंट भी इस सेल में, ए कम्प्लीमेंट इस सेल में, ए कम्प्लीमेंट है इसमें भी, ए कम्प्लीमेंट है इसमें, मेरे पास बी है, दिस इज़ बी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दोनों कॉमन है, ये भी वन है और ये भी वन है, तो मैंने बी लिख लिया. अब सी की वैल्यू यहाँ वन है, ये ज़ीरो है, तो ये मैं नहीं लिखूँगी. तो एक टर्म मेरे पास ये हो गया, ठीक है. फिर ये जो नेक्स्ट है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये मेरे पास बी और सी है, ये बी और सी इसमें भी है, वन वन है, इसमें भी बी सी वन वन है और इसमें बी सी वन वन है, ठीक है. अब इधर इसमें ए ज़ीरो है और इधर में ए वन है, तो ये हम ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी सी लिखेंगे, क्योंकि बी सी की वैल्यू दोनों में सेम है. तो वन वन के अगेंस्ट बी सी हमारे पास क्या है, बी सी है, ठीक है. वन वन के अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो बी सी है, ठीक है. हमारे पास इस दोनों सेल्स में वन वन कॉमन है, ठीक है, ये वाले बी सी की वैल्यूज़ कॉमन है, ठीक है, और ए की वैल्यू कॉमन नहीं है, वो एक ज़ीरो एक वन है, तो बी सी की वैल्यू कॉमन है, तो हम इसको ये दोनों वैल्यूज़ लिखेंगे, जो कि मेरे पास ये टर्म हो गया. इसका जो इक्वलेंट वैल्यू है जो है वो बी सी है. अब हम इसको लेंगे, अब ये दो सेल्स तो हो गए, अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू इधर भी वन है, इधर भी वन है, ठीक है, तो ए ले लिया हमने, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कॉमन है, और ए की वैल्यू यहाँ भी वन है, वह यहाँ भी वन है, तो वन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ ए की है, ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट है और ये मेरे पास ए है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कॉमन है, तो ए ले लिया. और इधर मेरे पास जो है वो क्या है, एक मेरे पास है बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, और एक मेरे पास है बी कम्प्लीमेंट सी, ठीक है. तो इधर जो है ए मेरे पास कॉमन आ गया, और इधर क्या है बी कम्प्लीमेंट है, और इधर भी बी कम्प्लीमेंट है, ठीक है, मगर इधर एक सी कम्प्लीमेंट और एक सी है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है, सिर्फ बी कम्प्लीमेंट इन दोनों सेल्स में कॉमन है. ये बी कम्प्लीमेंट यहाँ से आया है, ये बी कम्प्लीमेंट यहाँ से आया है, तो बी कम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन है और इधर ए कॉमन है, तो मैंने ए बी कम्प्लीमेंट ले लिया है इस सेल के लिए. तो ये मेरे पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है ये थर्ड वैल्यू मेरे पास आ गई. सो दिस इज़ द पॉसिबल सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन यूजिंग द के मैप.
और ये मेरे पास इन तीनों फॉर्मेट्स में किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, या इस फॉर्मेट में होगा या इसमें होगा या इसमें होगा, बट द रिज़ल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट इस फॉर्मेट में होगा और इसके करस्पॉन्डिंग सेल्स की वैल्यू आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।